हाय एवरीवन, मैं अंजनी कुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की वीडियो में सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि इंडियन ऑयल की तरफ से सिविल इंजीनियर फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी आ चुकी है। सो इस वीडियो में इस जॉब से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें जिससे आगे आने वाली सिविल इंजीनियरिंग प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और आप लोगों से एक शिकायत हमेशा रहती है कि आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं। ट्रेड की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी के लिए जॉब है। बट हम स्पेशली सिविल इंजीनियर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि टेक्नीशियन, अप्रेंटिस, सिविल इंजीनियरिंग। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि लगभग सभी स्टेट में सिविल इंजीनियर्स के लिए जॉब आई हुई है, जैसे दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसी तरह लगभग सभी स्टेट में सिविल इंजीनियर्स के लिए जॉब है। आप अपने स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि टेक्नीशियन, अप्रेंटिस सिविल के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मिनिमम 50% मार्क आपका सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में होना चाहिए, जो कि जर्नल के लिए है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में 45% होना चाहिए, तभी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। जर्नल का 50% होना चाहिए और ओबीसी का 45% होना चाहिए, और एसटीएससी के लिए कोई परसेंटेज नहीं रखा गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है कि 3 ईयर डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इस जॉब को अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम एज 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि यदि आपकी एज 25 ईयर से ज़्यादा है तो आप इस जॉब को नहीं अप्लाई कर सकते। हाउ टू अप्लाई, यानी कि आप इस जॉब को कैसे अप्लाई करोगे, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वेबसाइट दी गई है www.iocl.com। इस वेबसाइट पर जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 26/12/2019 यानी कि 26 दिसंबर से ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 22/1/2020 यानी कि 22 जनवरी 2020 को इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट है। सो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक न्यू जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।